राहुल वैद्य करते हैं इजाज खान से फाट के बारे में चर्चा। जी हाँ, एक ऐसा अनसीन अनदेखा वीडियो सामने आया है जहां राहुल वैद्य इजाज खान से भी चर्चा कर रहे हैं फाट के बारे में। दरअसल निक्की तंबोली से उन्होंने एक दिन पहले पूछा होता है कि क्या लड़कियां फाट कम करती हैं। निक्की तंबोली ज़्यादा सही से जवाब देती नहीं है और उसके बाद राहुल के मन में खलबली मची रहती है। वो इजाज से भी पूछते हैं कि क्या फाट, मतलब आप कैसा करते हो, और इस तरीके से फिर इजाज जवाब देते हैं। वो साउंड पूछते हैं कि आपका साउंड कैसा होता है, हल्का सा फुसफुस या धड़म एकदम तेजी से, और उसके बाद इजाज खान बोलते हैं नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं बल्कि मेरा बीच वाला साउंड होता है। और यहाँ तक कि वो अपने फाट का जो साउंड है वो भी करके बताते हैं। वहीं से कविता आती हैं और वो बताती हैं कि जो धीरे धीरे वाली फाट होती है उसमें स्मेल ज़्यादा होती है, लेकिन अगर जो फाट है वो तेज़ होता है वो बेहतर होता है क्योंकि इसमें स्मेल नहीं आती। और राहुल एक किस्सा भी बताते हैं अपने दोस्त का जो कि हर समय फाट करता रहता है, और इस तरीके से इन लोगों में ये बातें होती रहती है। लगता है राहुल को कुछ ज़्यादा ही खलबली मची हुई है फाट के बारे में जानने में, और वो यही कर भी रहे हैं। इजाज से, निक्की से, हर से उन्होंने इस बारे में बात कर डाली है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।